आज क्या हुआ आज की एक बात बताता हूँ आपको एक नॉन मिले उनको पता लगा रिजल्ट का उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा ये ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया अच्छा चलो बहुत बढ़िया फिर कहते यार तू तो बीटेक का था बीटेक वालों का तो क्या है उनके लिए तो कुछ भी नहीं उनका तो आना ही होता ही मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं लेकिन वो घाव पर ना नमक छिड़ गया असल में बीटेक के जब दिन याद आए ना क्या बताऊँ आपको बीटेक चलो मैंने ले तो ली थी विद द फ्लो ट्वेल्थ में नॉन मेडिकल ली ट्वेल्थ तक पढ़ने लिखने वाला था गो विद द फ्लो में बीटेक ले ली लेकिन बीटेक में जाने के बाद ना भाई साहब मेरे को ही पता है कैसे मेरी डिग्री हुई है और कैसे मेरी बीटेक हुई है कंप्लीट कैसे कैसे पापड़ बेले हैं मैंने बीटेक करने के लिए वो तो खैर असलियत तो मेरे टीचर्स को और जो मेरे आगे और पीछे बैठते थे तो उनको पता ही है निखिल और नितेश आगे निखिल बैठता था पीछे नितेश बैठता था उनको पता ही है खैर मेरी असलियत तो कि कैसे कैसे पापड़ बेल के और क्या क्या, क्या करके बी टेक करिए मैंने जितने भी लोग यहाँ मेरे को लगता है कि बी टेक वाले कई लोग देख रहे होंगे तो बी टेक वाले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये ज़रूर पता होगा कि एक लैंग्वेज होती है सी सी प्लस प्लस बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज होती है बी टेक में सबसे पहले पढ़ाई जाती है उसमें सबसे पहले हमें ना कॉलेज में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखाया था और आज मैं आपको बताऊँ अगर मेरे को कोई कहे ना कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दे भाई साहब पसीने छूट जाएंगे मेरे करवा तो मैं दूंगा कैसे ना कैसे रोध हो गए किसी से पूछ पाछ के लेकिन ये है कि पसीने छूट जाएंगे और आज भी मैं आपको बताऊं बीटेक के सपने आते हैं मेरे को कई बार एक्चुअल में आते हैं बीटेक के मेरे को कि भाई साहब जो मुश्किलों का सामना किया था ना मैंने उस टाइम मेरा तो मन करता था, था छोड़ ही दूँ बीटेक कई बार बड़ी मुश्किल रोध हो गई हुई है ग्रेजुएशन पूरी एक तो यार जब से वो उनसे मिला हो ना उन्होंने जब से कहा कि भाई तू तो बी का था तेरा तो होना ही था तब से मेरा ना दिमाग खराब हो गया ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि बीटेक है तो कुछ भी कर लेंगे हलवा है क्या ये तो बस वही है कि ये इंजीनियर्स इंजीनियर्स की बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हैं लोग ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक टेक ये कर लेगा बीटेक वो कर लेगा भाई आजकल ना हर घर में दो दो बीटेक हैं पांच पत्थर फेंक के देखो सड़क पे एक ना एक तो किसी ना किसी बीटेक को लग ही जाएगा और कहते हैं आप खुद बताओ मेरे को क्या ऐसा होता है कि बीटेक है तो कुछ भी कर लेंगे भाई हम लोग ना रो धो के तो बीटेक पास कर पाते हैं इतनी मुश्किल पेपरों को पास करते हैं और जिनकी सपली एक बार आ जाती है उनकी तो बैंड बच जाती है सपली तोड़ने में ही आप खुद बताओ यार कैसे एस एस सी में हेल्प करेगी बीटेक क्या हमें बीटेक में मैथ्स पढ़ाते हैं ये जमा घटा सिखाते हैं हमें कोई बीटेक में या रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं पढ़ाते वहाँ ऐसा मैथ्स होती है वहाँ लेकिन ये इंजीनियर्स को ही पता है कैसी मैथ्स होती है वहाँ एम वन एम टू एम थ्री जो होती है ना बैंड बच जाती है उसमें भी कैसे कैसे थ्योरम होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं हमें लेकिन एक बात तो है भाई जी एस में तो हेल्प हो जाती है बी टेक में ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं ना इनको और कुछ पता होना पता हो दारू के और सिगरेट हो गए सारे ब्रांड्स और रेट ज़रूर पता होते हैं कि कौन सी कौन सी ब्रांड है और किस किस रेट की है लेकिन दिक्कत भी एक थोड़ी है दिक्कत यह है कि भाई एस तो पूछता नहीं इस चीज के ऊपर सवाल लेकिन जिस दिन एस ने इसके ऊपर सवाल पूछना शुरू कर दिया ना उस दिन तो मजा ही आ जाएगा भाई उस दिन जरूर फायदा होगा बीटेक वालों को और उस दिन जरूर टॉप करेंगे बीटेक वाले